बाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने का मामला है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, मुख्यमंत्री आवास पर होगी उच्च स्तरीय बैठक, कुछ ही देर में शुरू होगी उच्च स्तरीय बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर की जाएगी समीक्षा। फैसला आने के बाद जल्दबाजी में नहीं होगा कोई विश्लेषण और प्रदेश में बना रहे शांति और सौहार्द का माहौल। गृह और पुलिस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कहा जा रहा है कि अयोध्या फैसले को लेकर, मामले को लेकर जिस तरीके से पहले से सरकारें अलर्ट मोड पर आती दिखाई दे रही हैं, उसी के तहत मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है। तमाम बड़े अधिकारी और जिम्मेदार इसमें मौजूद रहेंगे ताकि फैसला अगर आता है उसके पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। सुशांत, वाकई में पहले से जिस बात को लेकर सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, सरकार उसी तरफ कदम बढ़ा रही है? देखिए, जरूरी भी है संजय, क्योंकि जिस तरीके से अफवाहों का दौर चलता है व्हाट्सएप पे, और कई बार अफवाहें विकराल रूप धारण कर लेती है, तो सीएम का मकसद यही है कि बैठक के जरिए प्रदेश के पूरे हालातों की समीक्षा की जाए, कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम रहने चाहिए, किस तरीके से नागरिकों से अपील की जाए, पुलिस अपने स्तर पे किस तरीके से अवेयरनेस जो है वो लोगों के बीच रखे, और जो हालात कई बार जब गलत व्याख्या कर ली जाती है फैसले की या गलत समीक्षा हो जाती है उससे कैसे बचें, तो इन सब चीजों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री आवास पर होगी, और पुलिस के आला अधिकारी अभी बैठक में पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद फिर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह के इंतजाम जो है वो आने वाले दिनों में जो फैसला आएगा तब राजस्थान में देखे जा सकते हैं। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सरकार पहले से सतर्क होती दिखाई दे रही है, और आज जब यह बैठक होगी तो पहले से प्लान तैयार होगा कि फैसला जिस तरीके से आएगा, जो भी होगा, हर कंडीशन में किस तरीके से कानून व्यवस्था को कायम किया जा सके।